सो हेलो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर न्यू एपिसोड ऑफ मैजिक स्काई ब्लॉग। तो गाइज मैं वापस से सारी शुरुआत कर रहा हूँ, तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे प्यार से कुछ लवली कमेंटर्स को लवली वाला शॉट आउट और चलते हैं वीडियो की तरफ को। तो गाइज ये है हमारा वापस से फर्स्ट डे इन मैजिक स्काई ब्लॉग। जी हाँ, मैंने कॉस्मिक वाला स्काई ब्लॉग छोड़ दिया अभी के लिए और मैं अभी खेल रहा हूँ आइस वाले पे। तो अभी हम लोग हमारा नया सा नॉर्मल सा एक आइलैंड क्रिएट करेंगे और हम लोग मतलब भाई कितने टाइम बाद वापस से इतना छोटू सा आइलैंड देखने मिल रहा है और बहुत टाइम बाद मैं वापस से मैजिक स्काई ब्लॉक के अंदर आया हूँ। मैंने सोचा यार अब तो सभी चीज़ें तो अपने कुछ बना नहीं सकते, इसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना वापस से नई शुरुआत की जाए। तो मैं अब ये गैस पूरा आइलैंड साफ़ करने के बाद आपको मिलता हूँ, ठीक है। तो गैस फाइनली हमारा आइलैंड मतलब पूरा साफ़ हो चुका है, बस का ये खाली पेड़ बाकी है और मैंने वहाँ पे जाने का जो हब पे जाने का रास्ता था वो भी बना चुका हूँ और साथ ही साथ मैंने एक यहाँ पे कॉबल स्टोन का जनरेटर भी बना दिया। तो अब ये प्रॉपरली काम करेगा, बस हमारे को आज देखता हूँ मैं कितने मिनियन बना सकते हैं, बट जितना हो सके जल्दी से जल्दी मैं बनाने वाला हूँ। एक स्टोन मिनियन और थोड़ा कैरेट पटेटो एंड वगैरह वगैरह टाइप के मिनियंस मैं अभी फटाफट बनाने वाला हूँ क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। तो और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं ट्राई करूँगा आयन गोल्ड एमरल्ड वगैरह के मिनियंस बनाने के लिए और थोड़ा सा अपना आइलैंड को बड़ा करने के लिए, ठीक है। तो मैं अब आ चुका हूँ माइन के अंदर। तो गाइस अब फाइनली केव के अंदर आ चुके हैं और अब फटाफट से अपना जो भी स्टोन वगैरह आयन वगैरह जो सब मेरे को लेना है वो फटाफट मेरे को करना है। और भाई इतना सही अच्छा लग रहा है ना भाई कि वापस से नई शुरुआत हो रही है भाई, जो वापस से डबल मेहनत कर रहे हैं भाई साहब, बट कोई बात नहीं, देखते हैं इसके अंदर ये वाला आइलैंड के अंदर हम और भी ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएंगे। जैसे कि उसके अंदर हम लोग ने बहुत ज़्यादा ही बड़ा था कॉस्मिक का, मैं बोलूँ अभी तक कि मेरी मैजिक गेम की जो जर्नी थी सबसे बड़ा आइलैंड जो था वो कॉस्मिक के अंदर था। तो गाइस फटाफट से मेरे को जो जो चीज़ें चाहिए फटाफट यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद ही मैं आपसे मिलता हूँ। तो गाइस फाइनली से मेरे को जितना कॉबल स्टोन वगैरह सब चाहिए, बहुत ज़्यादा ही चाहिए वैसे तो, बट जितना भी चाहिए था मेरा सब हो चुका है। तो अब मेरे को आयन वगैरह कलेक्ट करना है, तो वो सब कलेक्ट करने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ दोबारा से। तो गाइस फाइनली कॉबल स्टोन तो जितना चाहिए था उतना कलेक्ट हो चुका है। अब मैं जा रहा हूँ फॉरेस्ट में स्प्रूस के लिए, वहाँ पे जाके मैं थोड़ा सा ब्रूस या स्प्रूस जो भी बोलते हैं उसको, वहाँ पे जाके मैं उसको काटने वाला हूँ। और मैं एक्चुअली देखो अगर स्टोन का बन जाएगा तो भाई अपने को लिटरली वुड भी तो चाहिए ही चाहिए, बिकॉज हर एक के लिए मतलब जो भी मिनियंस अगर आप बना रहे हो तो सबके लिए आपको स्टोन की पिकैच चाहिए, ठीक है। और हमारे पास अभी वुड इतना नहीं है, तो अगर हमारे पास एक वुड मिनियन होगा तो अपने को वुड की भी कमी नहीं होगी, साथ ही साथ स्टोन की भी कमी नहीं होगी जब हमारे पास स्टोन का मिनियन होगा। तो गाइस फटाफट से सारा स्टोन मेरे को वुड जितना कलेक्ट करना है मैं फटाफट से कलेक्ट करता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे। तो गाइस यार एक्चुअली यार वुड कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लग रहा है, जब पहले जब मैंने किया था तो मेरे को इतना टाइम नहीं लग रहा था बिकॉज मेरे पास उस टाइम वाईटी किट थी, बट ये वाले सर्वर के अंदर मेरे पास वाईटी किट नहीं है। बट मैं बात कर लूँगा वाईटी किट के लिए मतलब वाईटी के लिए, बट यार एक्चुअली टाइम तो लग रहा है भाई, बहुत ज़्यादा ही टाइम लग रहा है। तो गाइज़ मैं अब चलता हूँ मेरे आइलैंड पे, यार मेरे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो गाइज़ फाइनली आ चुका हूँ मैं अपना आइलैंड पे, अब चलते हैं यार स्टोन कॉबल स्टोन का मिनियन बना दें। एक्चुअली रेसिपी मेरे को याद है अभी भी, मैंने एक्चुअली देख ली थी बट अभी भी मेरे को थोड़ी बहुत रेसिपीज याद है। तो मेरे को सिर्फ 8 स्टैक चाहिए बट मैं 7 स्टैक से बनाने की ट्राई कर रहा हूँ, अगर 7 स्टैक से बन जाता तो वाओ, यहाँ पे भी वो ग्लिच काम करता है। दैट मीन्स गाइज हर एक का मेरे को 7 स्टैक ही चाहिए जिससे मैं आराम से अपना कोई भी मिनियन बना सकूँगा। तो यहाँ सबसे पहले तो यार ये ख़त्म करता है, ये ओक का जो भी है इसको पहले ख़त्म करना पड़ेगा और मैं इसको यहाँ पे लगाने वाला हूँ। दो दो की क्या मतलब, ये दो दो खाता है मतलब, तो मेरे को काउंट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं अगर लगाता हूँ तो यहाँ पे दो, आगे की साइड दो, पीछे की साइड दो, यहाँ साइड पर दो, तो यहाँ पर हमारा मिनियन अच्छे से काम करेगा। और मैं साथ ही साथ अभी तो बहुत सारे फार्मिंग मिनियंस भी लाने वाला हूँ, जैसे वीट पटेटो कैरेट ये दो भी मुझे लाने हैं और साथ ही साथ मेरे को अपना वुड मिनियन भी बनाना है। तो मेरे को जो आइलैंड है अभी अभी तो छोटा है बट इसको ऐसा यूटिलाइज़ करना है कि मेरे ये सारे के सारे मिनियंस यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो अभी मैंने जो भी ब्रूस के जो भी मैंने जो लॉग्स है वो यहाँ पे रखने वाला हूँ जितना भी था। तो गाइस अब चलते हैं फार्म की तरफ को और यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत मेरा आयन स्मेल्ट के रख दिया था, अब चलते हैं फार्मिंग साइड और कलेक्ट करते हैं वीट। तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने फार्म में और मेरे को जितना वीट और कैरेट वगैरह जो सब चाहिए है मैं फटाफट कलेक्ट कर रहा हूँ। बाकी यार ये चीज़ अच्छा है फार्म के अंदर की, फटाफट आप कलेक्ट कर सकते हो, ज़्यादा टाइम आपको लगता नहीं है। तो अब जितना जल्दी हो सके मैं करने वाला हूँ, बिकॉज गाइज देखो अगर वीट मिनियन नहीं होगा तो मैं अपना ब्रेड नहीं बना पाऊंगा, ब्रेड नहीं बना पाऊंगा तो हमारा जब भी जो फूड का होता है वो बार जब कम होगा तो मेरा हेल्थ जाएगा, साथ ही साथ मैं बहुत कम
समय के लिए काम करूँगा। तो गाइस हमें फार्मर 2 हो गया है, हेल्थ भी हमारी बढ़ चुकी है, डिफेंस और वगैरह डैमेज सब बढ़ गया है और 2000 कॉइंस एक्स्ट्रा मिल चुके हैं। तो गाइस हमारा जितना हमारे को चाहिए वीट पटेटो वगैरह तो मैं सब कलेक्ट करता हूँ और आपको मिलता हूँ मैं अपने आइलैंड पे, ठीक है। तो गाइस मैं आ चुका हूँ फाइनली अपने आइलैंड पे और अब मैं बना रहा हूँ वीट का मिनियन जो बन जाएगा 7 स्टैक्स है बस खाली। तो एक्चुअली ऐसे नहीं होगा, मेरे को नीचे साइड वाला हटाना पड़ेगा यहाँ पे। तो गाइस फाइनली हमारा वीट मिनियन भी बन चुका है, अब मैं बनाऊंगा कैरेट मिनियन और फिर इसके बाद में मैं बनाऊंगा पोटैटो मिनियन। बट इन लोगों को सेट ऐसा करना है कि वो प्रॉपरली एफिशिएंट मैनर में काम करें यहाँ पे। तो ये आ चुका है वी कैरेट भी और अब आ चुका है हमारा पोटैटो मिनियन ऐसे, ठीक है। तो गाइस हमारा पोटैटो मिनियन भी आ चुका है, तो हमारे 3 फार्मिंग मिनियन आ चुके हैं, बस इनको आगे जाके अपग्रेड करता रहूँगा। तो गाइस अब इनको लगाने की देरी है तो मैं इनको लगाता हूँ अच्छे तरीके से। तो गाइस मैंने सोचा है अपना जो भी फार्मिंग मिनियन है जैसा वीट पोटैटो एंड कैरेट, तो उन लोगों को अच्छी अच्छी खासी जगह चाहिए होती है, ठीक है, बट वो यहाँ पर बेसिकली काम कर लेंगे अच्छे से। तो मैं वीट को यहाँ पे लगाने वाला हूँ नीचे की साइड, इनको कोई ऊपर 1 ब्लॉक या उसकी जगह नहीं ज़रूरत पड़ती। बट आई थिंक सो अगर ये यहाँ पे लगाए तो कैरेट मिनियन मैं यहाँ पे नहीं लगा पाऊँगा, इसको 1 ब्लॉक हायर ही ऊपर ही मतलब लगाना पड़ेगा। आई थिंक सो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ इसको, मुझे लिटरली नहीं पता, नहीं मैं नहीं लगा सकता इसको। आई थिंक सो 1 ब्लॉक, देखो इसने लिखा भी है 1 ब्लॉक हायर, बट एक और बार ट्राई कर लेते हैं दूर जाके। यहाँ पर लग जाएगा क्या, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार यहाँ पे लगा के देखते हैं। नहीं गाइस ये नहीं लग रहा, दैट मीन्स मेरे को 1 ब्लॉक ऊपर ही इसको लगाना पड़ेगा तभी ये अच्छे से काम करेगा। तो हमारे पास ब्लॉक्स की तो कमी नहीं है, ब्लॉक्स तो है हमारे पास, तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ ये साइड में, या तो इसको पहले तोड़ देते भाई, बिकॉज यार ये मतलब ग्रेवल है तो ग्रेवल के ऊपर यार वीट तो मतलब वीट पता नहीं उगेगा कि नहीं, पर इसको मेरे को पैक करना पड़ेगा। मेरे पास अगर डर्ट है तो ग्रेवल को फेंक देता है भाई, इसने टेराकोटा के ऊपर वीट लगा दिया भाई, ये क्या हो रहा है भाई, टेराकोटा के ऊपर वीट भाई, सीरियसली मजाक कर रहे हो क्या। तो गाइस फटाफट से ये जो हम लोग ने होल यहाँ पे कराया उसको मैं फटाफट से फील कर देता हूँ डर्ट से, और ये प्रॉपरली काम कर रहा है, पर इसको हटाना पड़ा। मैं इसको भी भाई 1 ब्लॉक हायर ही लगाने वाला हूँ ऊपर ही, कि ये और अच्छे से काम करे और एफिशिएंट मैनर में काम करे, ठीक है। तो ये 1 ब्लॉक ऊपर आ चुका है और यहाँ पर हमारा वीट मिनियन अच्छे से अब काम करेगा, बराबर ठीक है। चलो इसने काम करना शुरू कर दिया, दैट मीन्स अच्छी बात है। और अब मैं यहाँ पे एग्जैक्ट ये साइड में लगाने वाला हूँ हमारा कैरेट मिनियन, तो वो यहाँ पे अच्छे से काम कर जाएगा। और अब मैं एक्चुअली अच्छे से गिनना पड़ेगा भाई, मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ बट यार वहाँ पे स्पेस कम हो जाएगी, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे लगा देते हैं हमारा पोटैटो मिनियन, तो यहाँ पे प्रॉपर काम करेगा एक्चुअली, दो दो की गैप है अच्छे से, तो वो यहाँ पे अच्छे से काम कर जाएगा। परफेक्ट डन, यहाँ पे गाइस काम कर जाएगा ये। तो ये आ चुका है हमारा पोटैटो मिनियन भी। तो गाइस आज के दिन में हम लोग ऑलमोस्ट 4 मिनियन बना चुके हैं, 1 कोबलस्टोन और 3 फार्मिंग मिनियन जो कि है कैरेट पोटैटो एंड वीट। तो अब मैं यहाँ से आयरन ले लेता हूँ, आयरन की टूल आगे जाकर मेरे को ज़रूरत आने वाली है, बिकॉज डायमंड वगैरह मेरे को जो माइन करना पड़ेगा तो उससे मैं माइन कर दूंगा। और अभी हमारी स्पीड इतनी अच्छी खासी नहीं है, बट आगे की वीडियो में आई होप सो मैं बना लूँगा अच्छे खासे मिनियन। तो बस गाइस आज की वीडियो यहीं एंड अप कर रहे हैं। आई होप सो आप लोगों को ज़रूर मज़ा आएगा, मज़ा आए तो प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, वी आर रियली क्लोज टू 2.4K, तो जल्दी 2.4K करवा दो, ठीक है। तब तक के लिए गाइस सी यू, टाटा एंड बाय बाय।